आईसीयू में भर्ती है दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा। तबीयत बिगड़ने पर जुहू के हॉस्पिटल में हुई एडमिट। डॉक्टर्स काजोल की मां पर लगातार रखे हुए है नजर। 80 की तनुजा उम्र संबंधी बीमारी के चलते पहुंची हॉस्पिटल। गुजरे दौर की जानी मानी एक्ट्रेस और काजोल की मां तनुजा की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वो आईसीयू में भर्ती है। रविवार को मुंबई के जुहू के एक अस्पताल में तनुजा को तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती करवाया गया है। तनुजा के साथ उनकी बेटी काजोल और तनीषा बनी हुई है। कहा जा रहा है कि तनुजा की हालत फिलहाल स्थिर है। इस खबर के बाद एक्ट्रेस के फैंस उनके जल्द ही बेहतर होने की दुआ मांग रहे हैं। बता दें कि तनुजा अपनी बेटी तनीषा संग मुंबई के जुहू में रहती हैं। घर से कुछ दूरी पर उनकी बड़ी बेटी काजोल अपने पति अजय देवगन संग रहती है। तनुजा 50 और 60 के दशक की नामचीन एक्ट्रेस रही है। तनुजा गुजरे जमाने की स्टार शोभना समर्थ और निर्माता कुमार सेन समर्थ की बेटी है और नूतन की छोटी बहन है। उन्होंने फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी के साथ शादी की थी। तनुजा की सोमू मुखर्जी से मुलाकात फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली थी। एक्ट्रेस की दो बेटियां हैं, काजोल और तनीषा मुखर्जी। शादी के कुछ साल बाद तनुजा अपने पति से अलग हो गई थी, जब काजोल और तनीषा बहुत छोटी थी। दोनों ने ही मां की तरह एक्टिंग में किस्मत आजमाई, लेकिन तनीषा को वो फेम नहीं मिल पाया जो काजोल ने हासिल किया। वैसे तनीषा इन दिनों झलक दिखलाजा में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस तनुजा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है। तनुजा ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की थी। बतौर लीड हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी हमारी याद आएगी, तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, हाथी मेरे साथी और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब पसंद किया गया। बढ़ती उम्र के साथ तनुजा अब फिल्मों से दूरी बना चुकी है। फिलहाल मां तनुजा की हेल्थ को लेकर काजोल की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। वही बेटी तनीषा या दामाद अजय देवगन या फिर दूसरे किसी फैमिली मेंबर ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। रिपोर्ट E24।